और ये हैं वो सवैयाँ जो मेरी मम्मा ने बनाए हैं। ये मम्मा को हम तंग नहीं करना चाहते, मम्मा को हम सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ये मम्मा का डोर है और वो बिल्कुल थोड़ा खुला हुआ है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी फिज़ा। सो आज शबे मेराज, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड अभी भी मैं नहा कर आई हूँ क्योंकि मम्मा के साथ मैंने सारा दिन काम किया था, तो अभी मतलब फ्री हुई तो मैं नहा के आई हूँ। एंड अब मैं नहल आएगी और मैं नहल के मैं साथ जाऊँगी सवैयाँ बांटने के लिए सारे घरों में। मैं नहल अभी गई है दो घरों में देने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। एंड कल रोज़ा रख सकते हैं, तो आज मैं और मेरी मम्मा और मैं नहल आज रोज़ा रखेंगे। पता नहीं और कौन रखेगा, शायद मेरा भाई भी रखे। और ये हैं वो सवैयाँ जो मेरी मम्मा ने बनाए हैं। एंड मिनाहल जो है सारे घर में बांट कर आ गई, तो मैं सोई में आपको नहीं दिखा सकी। और यहाँ पे जो है मेरी खाला आई हुई थी, तो मम्मा और खाला बातें कर रही थी, मैं उन्हें देख रही थी। और यहाँ पे मेरे जो हैं बाल बिल्कुल सूख गए हैं, और हमारी जो खाला हैं वो आई हैं, तो मम्मा से बातें कर रही हैं उस रूम में। और मैं मम्मा के रूम में के व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है मम्मा का रूम, तो मैं भी यहीं बैठी रहूँगी। अभी आप लोगों ने मिनाल को तो सारे व्लॉग में देखा नहीं होगा, तो सब लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं आई। सो मैं आपको दिखाती हूँ वो किचन में क्या कर रही है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ दुकान में, क्यों शहरी के वक्त ही मम्मा बना देंगी ना एक साथ, तुमने क्या करना है अभी सबके खाने के लिए बनाने, इनको तो सुला देना फिर हमारे जाएंगे मेरे पास में। हाँ, और फिर मम्मा के साथ बातें करेंगी, खाला मदद के साथ, और कुछ ना एक्सप्लेनेशंस देखूंगी। रमज़ान में हम लोग इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस, हाँ मैं भी उनके व्लॉग्स देखती हूँ एंड उनकी कॉमेडी वीडियोस देखती हूँ। एंड मैं देखूंगी जैद अली वालों के व्लॉग्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें एस्ट्रोलॉजी, जैद अली और मेरा छोटा भाई। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे कोई थोड़ा ना सोते पागल। सो गाइस, मेरे जो खाला हैं वो जा चुके हैं बिल्कुल, बिकॉज उनका घर करीब है, तो वो आती जाती रहती हैं। मेरी बहुत अच्छी खाला हैं, और मेरे हाथ में पता नहीं क्या रेड रेड दिख रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। ये बहुत गंदा है, इतना दर्द हो रहा है मैं बता भी नहीं सकती, इतना दर्द हो रहा है। और अब मिनाहल आएगी और मैं आपको अपना मिनी रूम दिखाऊंगी, और मिनाहल अपना मिनी रूम दिखाएगी। दरअसल हमने सुबह मल्टी कलर वर्सेस मतलब कुछ भी कलर कर दिया था, मतलब चैलेंज किया था, तो गेस्ट आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग अपने अपने रूम्स को फिनिश नहीं कर पाए। मैंने थोड़ा सा आधे से ज़्यादा फिनिश कर दिया है, मतलब कर ही दिया है, और मिनाहल ने बिल्कुल नहीं किया, मिनाहल ने सिर्फ पेंट किया है। तो जब मिनाहल आएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो कंटिन्यू दिस व्लॉग। मैं पूरे दो और हमें 3 बजे सहरी बनानी है। मम्मा को हम तंग नहीं करना चाहते, मम्मा को हम सरप्राइज़ देना चाहते हैं। हम लोग सहरी बना के फिर मम्मा को उठाएंगे, और इस पागल को बोलूँ नहीं सोए। गाइस अभी बज रहे हैं 3, और मिनाहल ने मुझे बोला था कि मैं उसे 3 बजे उठाऊँ ताकि हम दोनों मिल के सहरी बनाएँ। सो अभी मिनाहल सो रही है, तो मैं अभी उसे उठाऊँगी। मिनाहल, मिनाहल उठ जाओ, से 3 बज रहे हैं, सहरी बनानी है, उठो। 3:28 AM। मिनाहल तुम फिर से सो गए, उठ भी जाओ। मिनाहल उठ जाओ, सहरी बनानी। अब उठी है लेकिन अभी तक फोन ही हुई। सो मैं जो हूँ अभी सहरी बनाना स्टार्ट करूँगी, एंड फिर मिनाहल आएगी मेरे साथ, थोड़ी हेल्प करेगी, देन हम लोग साथ में बनाएंगे। और बिल्कुल भी हमने आवाज़ नहीं की, मम्मा का डोर, ये मम्मा का डोर है और वो बिल्कुल थोड़ा खुला हुआ है, और हम लोग बिल्कुल आवाज़ नहीं करें। ये किचन है और ये मम्मा का रूम है, सो बहुत ही ध्यान से काम करना होगा, वरना मम्मा उठ जाएगी। लो जी लगी है, पता नहीं क्या हो रहा, आराम से करो ना, मम्मा उठ गए ना फिर उन्हें पता चल जाएगा। मेरी मम्मा ने जब सहरी मतलब बनाने का टाइम हो तो मुझे उठा देना, लेकिन हमने उन्हें नहीं उठाया, तो ये हमारी मतलब सरप्राइज दे रहे हैं, तो उठाना है थोड़ी ये। हमने बना ली है लस्सी, तो हमें दही का, मैंने दही का है अच्छा फ्रिज में पड़ी है, तो फिर से जल्दी से लेंगे। ऊपर वाले में, नीचे वाले में ये भी नहीं पता, ऊपर वाले में तो नहीं है, नीचे वाले में ये नहीं। आप हम लोग आराम से जो है लस्सी बनाइए।
यहाँ पे जो है वो लस्सी रेडी हो चुकी है और हमें बिल्कुल अभी पता चला कि गैस ही नहीं है। मम्मा बिना मम्मा को बताने गई है, मजबूर सरप्राइज़ दे देते बट क्या करें यार, लोग इतने मतलब बेहया हो गए हैं कि शब मेरात की रात है, लोग रोज़ा रखते हैं, तो आप लोगों को गैस तो खोलनी चाहिए ना। नहीं गैस थोड़ा खोलना है, मतलब पता नहीं इनके कौन से पैसे लगते हैं, पैसे तो हम बिल तो हम देते हैं ना। छोड़ो भाई इनके वो गैस वालों की जो ये गंदी हरकत की वजह से आज हमें जैम और ब्रेड लस्सी और ऑरेंज और केक से मतलब रोज़ा रखना पड़ेगा। मतलब शर्म नामी की तो कोई इनके अंदर चीज़ ही नहीं है ना। और आज सिर्फ मिनाइल और मैं रोज़ा रख रही, मम्मा नहीं रख रही, बिकॉज मम्मा को उन पर इतना गुस्सा आया हुआ है ना कि मतलब बता भी नहीं सकती। मम्मा बोल रही थी कि इतनी शर्म नहीं आ रही कि आदमी गैस तो ऑन कर देना, कुछ लोग क्या सारे लोग रोज़ा रख रहे होंगे और किसी के घर में गैस नहीं होगी तो वो लोग रोज़ा कैसे रखेंगे। और मम्मा को नाश्ते के बगैर मतलब रोज़ा नहीं रख पाती, सो मम्मा ने बोला कि मैं नहीं रखूँगी, मैं सारे रमज़ान के रख दूँगी। बट अभी जो है मैं और मिनाइल रख रहे हैं, सो हम लोग अब इसी से मतलब रोज़ा रखेंगे। सो शर्म करनी चाहिए आप लोगों को यार। गाइस हमने सहरी कर ली है, जैसी भी थी बट थोड़ी थी कर ली, एंड मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।